The Helka India News. Please like and share and don't forget to subscribe. विदिशा जिले में लाखों यात्रियों की रक्षा की कामना के लिए किए जाने वाले इस कार्य का बीड़ा युवाओं की एक टीम ने उठाया है। हम आपको बता दें, विदिशा में कई सालों से चल रही इस प्रथा को बढ़ाते हुए सुबह रंगई स्टेशन पर पटरियों पर रक्षा सूत्र बांधे व साथ ही साथ मालाएं चढ़ाई गई व साथ ही साथ मिठाई अर्पित की गई है। इसके बाद ये टीम रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां युवाओं द्वारा बताया गया है कि स्टेशन मास्टर व साथ ही साथ अन्य कर्मचारियों को भी जो इस पावन पर्व पर अपने घर नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी कलाई सुनी ना रहे, इसलिए हम उन्हें राखी बांधने का कार्य करते हैं। देखिए खास रिपोर्ट तहलका इंडिया न्यूज पर रवि चौरसिया के साथ। हमारा निरंतर 10वें वर्ष में कार्यक्रम है, ये हमारे एक मित्र दीपक जी साहू के द्वारा चलाया गया था। इससे हमारा उद्देश्य है कि ये हमारे रेलवे के ब्रिज है, पुल है, ये जो हमारी पालवर हमारी रक्षा करते हैं कि इससे आवागमन की सुविधा रहती है। हम एक उद्देश्य हमारा ये कि जनता की सुरक्षा बनी रहे और उनको भी कोई दे सकते हैं तो हम उनकी सुरक्षा का वचन लेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर राखी बांधना, रक्षा बंधन ब्रिज पर, रेलवे का ब्रिज पर स्टेशन का क्या है पूरा उद्देश्य? उसका यही, जो यात्रीगण यहाँ से जितने भी राहगीर निकलते हैं वो उनकी यात्रा सुगम और सुरक्षित हो, इसी यही उद्देश्य लेकर हमारे बड़े भाई दीपक जी साहू जो शिव साधना गोरक्षा सेवा समिति के जो संस्थापक अध्यक्ष थे, उनकी प्रेरणा अनुसार हमारी पूरी टीम अब रहे नहीं है तो उनकी एक जो परंपरा चला के गए उसका हम निर्वाण कर रहे हैं।